अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टींडे की सब्ज़ी। मैंने यहाँ 1 किलो टींडे लिए हैं। टींडे बहुत हेल्दी होते हैं, वो आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो आपकी किडनीज़ को भी डिटॉक्सिफाई करते हैं और भी इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। आए पहले हम इनको छील लेंगे। इस तरीके से छुरी से इन्हें छील लेंगे। जिनका छिलका सॉफ्ट हो उसको तो इसी तरीके से छीलेंगे, अगर कोई सख्त छिलका हो तो बारीक बारीक उसे इस तरीके से छीलेंगे। इसी तरीके से सारे टींडों को छील लेंगे। टींडों को हम इस तरीके से काट लेंगे बारीक बारीक। ये देखें इतनी मोटाई होनी चाहिए इनकी। अगर किसी के बीज सख्त निकले जैसे इसमें निकले हैं तो इनको हम बाहर निकाल देंगे और फिर इसको स्लाइस कर लेंगे। इसी तरीके से आप सारे टींडों को काट लें। यहाँ मेरे पास 3 बड़े प्याज हैं, 1 टमाटर और 3 हरी मिर्च हैं। प्याज के मैंने ऊपर से येलो वाला हिस्सा निकाल लिया है। प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे। टमाटर को क्यूब्स में काट लेंगे। हरी मिर्चों को बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे। अब पतीले में 1/2 कप ऑयल लेंगे, इसमें प्याज डाल के भून लेंगे। प्याज को इतना भूनेंगे कि साइडों से ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। फिर इसमें टमाटर और मिर्चें डाल देंगे और इनको भी भून लेंगे। मसालों में हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवैन, 1 टीस्पून मिक्स मसाला, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। टमाटर प्याज में आधे आधे घुल चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। पिसी लाल मिर्च, नमक, मिक्स मसाला, हल्दी और कलवंजी, इन सब को मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, अजवैन और इनको अच्छी तरह भून लेंगे।
लहसुन अदरक तो टमाटरों से पहले डालना था, मैं भूल गई थी उस वक्त डालना, तो इसलिए मैंने अभी डाल दिया। आप टमाटरों से पहले ही डालिएगा। मसालों को अच्छे तरीके से भून के इसमें टिंडे डाल देंगे। इसको हल्का सा भून के दम पे रखने के लिए छोड़ देंगे। टिंडों को हल्का सा भूनने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसको हल्की दम वाली आग पे दम के लिए रख देंगे। बीच में एक दफ़ा चम्मच चला देंगे। और इसको दम पे पकने देंगे। सब्ज़ी को इस तरीके से चेक करके देख लें, अगर वो आराम से टूट जाती है यानी वो गल गई है। इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। इसको अंदर मिक्स कर लें और आपका सालन तैयार है। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये 1 kg टींडे की सब्ज़ी तैयार है। बस इतना सही सालन बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और इसे ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी, और कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।